है एवरी वन आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए इस गर्मी में सबकी हालत बहुत बुरी हो रखी है तो चलिए आज बनाते हैं घर में ही नींबू मसाला शिकंजी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट से बनने वाली ड्रिंक है जो कि इस समय में आप आपकी बॉडी को बहुत ही रिफ्रेश रखेगी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि मैं आज दो तरीके से ये नींबू मसाला शिकंजी बनाना दिखा रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले शिकंजी का मसाला तैयार करेंगे तो गैस पे मैं एक पैन ले रही हूँ उसमें ऐड करेंगे दो चम्मच जीरा इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच सौंफ तो आपके पास जो सौफ़ अवेलेबल हो बड़ी छोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो एक चम्मच काली मिर्च और 10 से 12 हरी इलायची और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच धनिया के बीज तो इसे ज़रूर डालें बहुत सारे लोग इसको नहीं डालते हैं बट यकीन मानिए धनिया आप थोड़ा सा ऐड करोगे तो सिकंजी का जो फ्लेवर है वो इतना अच्छा आएगा आपको एकदम मार्केट की तरह इसका फ्लेवर लगेगा अब मीडियम फ्लेम पर हमें इसे एक मिनट तक अच्छे से मसालों को रोस्ट कर लेना है इससे एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी उस टाइम पर गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और रोस्टेड मसालों को ट्रांसफर कर लेंगे एक ग्राइंडिंग जार में मसाले जब ठंडे हो जाए तब इसको हमें अच्छे से पीस लेना है एकदम महीन बारीक पाउडर तैयार कर लेना है अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच काला नमक और एक चम्मच नॉर्मल नमक तो मैं यहाँ पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ आप जो कुछ कोई भी नमक इस्तेमाल करते हो वो डाल देना और दोबारा से इसे एक बार और हम पीस लेंगे तो बस हमारा शिकंजी का मसाला तैयार है इसे अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में आप ट्रांसफ़र कर लें और जब कभी भी आपका कुछ बहुत ही रिफ्रेशिंग पीने का मन हो या कोई गेस्ट आए तो हम अक्सर पूछते हैं ठंडा लोगे या आप गर्म में चाय कॉफ़ी पियोगे तो अभी सब बोलते हैं ठंडा पीना है तो आप तुरंत शिकंजी बना करके तैयार कर सकते हो तो यहाँ चलिए आप शिकंजी बनाते हैं मैं दो ग्लास ले रही हूँ क्योंकि दो तरह से शिकंजी बनाएंगे एक एकदम बाज़ार वाली और एक घर वाली दोनों ग्लास में मैंने ऐड करा है दो दो चम्मच पिसी हुई चीनी और एक एक चम्मच ऐड करेंगे हमारा ये शिकंजी मसाला जो हमने अभी जस्ट बनाकर तैयार करा था तो यकीन मानिए ये इतनी लाजवाब बनकर आएगी कि आप बाज़ार वाले शिकंजी भूल ही जाओगे अब यहाँ इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस तो मैं यहाँ एक एक नींबू का जूस दोनों में डाल रही हूँ आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो अगर नींबू का साइज बड़ा है तो आप आधे नींबू का जूस डालो अगर छोटा है तो आप और ऐड ऑन कर सकते हो तो मैंने दोनों ग्लास में एक एक नींबू का जूस डाल दिया है अब इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स आइस क्यूब्स डालने से ये बहुत ही चिल्ड बनकर आएगी और पीने में बहुत लाजवाब लगती है अगर आप आइस क्यूब्स ना डालना चाहते हो तो इसे अवॉइड कर सकते हो बट आप डालकर ही पीना गर्मियों के मौसम में बहुत ही अम लगती है अब इसमें एक ग्लास में मैं डाल रही हूं सोडा वाटर तो आप देख सकते हो किनले का मैंने नॉर्मल सोडा वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ इस एक ग्लास में इसे ऊपर तक फिल कर देंगे और दूसरे ग्लास में मैं डालूंगी फ्रिज का ठंडा पानी बचपन में जब हम बाहर जाते थे तो गोली वाली सोडा वाटर मिलती थी उस पे उसके ऊपर गोली लगा होता था जिसे घप से मार करके आवाज़ निकलती थी तो वो दुकानदार हमें उसकी बना कर के पिलाता था पता नहीं आपने वो ट्राई की है या नहीं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं कि आपने आपके शहर में वो गोली वाली सोडा वाटर मिलती है या नहीं अभी भी अब बस इसे गार्निश करेंगे कुछ फ्रेश मिंट लीव्स के साथ और इसे अच्छे से एक बार मिला देंगे ताकि जो नीचे चीनी और शिकंजी मसाला है और जो लेमन जूस है वो अच्छे से ग्लास में मिल जाए और इसमें स्ट्रॉ डालेंगे और ठंडा ठंडा हमारा बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही यम लाजवाब ड्रिंक बनकर तैयार है तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय